नए व्यूअर्स, तो दिक्कतें ये है कि हजारों की तादाद में प्रति साल लोग बहुत तो ग्रेजुएशन पास आउट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पास आउट होते जा रहे हैं, लेकिन के मुताबिक ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहे हैं जिसके कारण जॉब प्रोवाइड नहीं हो रहा। गाइस, गवर्नमेंट ने इसी के मद्देनजर रखते हुए और एक स्कीम निकाला है, इसका नाम है आत्मनिर्भर आसाम 2024। गाइस, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे और बहुत सारे लोगों के पास ये डाउट है कि ये इसको अप्लाई करने के बाद, इस स्कीम को अप्लाई करने के बाद क्या उसको गवर्नमेंट जॉब मिल सकते हैं या फिर नहीं, तो ऐसे में बहुत बड़ा डाउट लोगों का रहता है। हाल ही में 2024 में गवर्नमेंट निकाला हुआ है ये स्कीम को, तो गाइस हाल ही में हम देखेंगे कि किस तरह से ये जनरली लोग अभी जनरल लाइन में जो पढ़ते हैं उनके लिए ये स्कीम है, और जो टेक्निकल लाइन में पढ़ते हैं उनके लिए भी, बहुत लोग पढ़ाई करके भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी बेरोजगार है, इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम देखेंगे हम किस तरह से ये प्लान गवर्नमेंट ने बना के और किस तरह से क्या क्या करने के लिए दिया है। जनरली गाइस बात करें तो इसको बिजनेस पर्पज़ के लिए गाइस यहाँ पे लोन दिया जाता है जो गवर्नमेंट के थ्रू। सो गाइस देख सकते हैं आप, स्टेशनरी, पोल्ट्री, गोल्ड फार्मिंग, फिशरीज, रेडीमेड गार्मेंट्स एंड बहुत कुछ, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड जो भी बहुत कुछ तरह तरह का बिजनेस के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन जो दिखाया गया, और इसमें से आपको पैसा कितना मिलेगा यानी लोन आपको कितना सेंशन किया जाएगा ये आपको मैटर करेगा। तो ऐसे में क्वालिफिकेशन के बेसिस के हिसाब से यहाँ पे किया जाएगा, जैसे कि आप एक नॉर्मल अगर ग्रेजुएशन से पास करते हो या फिर आप हायर सेकेंडरी में पढ़ते हो तो आपको क्या मिलने वाला है और एज कितना रहने वाला है सब बताऊंगा। तो जो क्वालिफिकेशन और फाइनेंशियल की बात, तो इंजीनियरिंग में आपको कम से कम आपका इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है आप और आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो कुछ भी, तो उनके लिए आपको 5 लाख तक यहाँ पे लोन मिल सकते, तो इंस्टेंटली उसका सब्सिडी भी प्लस है, प्लस इसका 50% आपको सब्सिडी मिल जाती है, यानी कि ये आपको कंप्लीट होने के बाद, आपका वर्क कंप्लीट होने के बाद में आपको 50% मतलब सब्सिडी के थ्रू मिल जाएंगे, तो आपको उसके विदाउट इंटरेस्ट में ही आपको पे करना है। तो बाकी 5 लाख का अगर 2.5 लाख का आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बाकी 2.5 लाख आपकी जैसे कि और BBS, BDS, वेटरनरी, फिशरीज, जैसे ये सब टेक्निकल लाइन में अगर आपने पहले पढ़ाई किया है, स्टडी किया है, तो इसी के थ्रू आपको ये मिलने वाला। और यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे 2 लाख और जनरल ग्रेजुएट यहाँ पर 50%, तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर जो जो है वो लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं, 2 लाख तक की अमाउंट की यहाँ पर आपको लोन मिलेंगी। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम जाते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि मैंने फिलअप करके रख चुका है पहले, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट टेम्पलेट जैसे बनाना पड़ेगा, तो इस प्रोजेक्ट टेम्पलेट को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं नीचे, तो इस तरह व्यू डाउनलोड करके आप बहुत सारा प्रोजेक्ट टेम्पलेट यहाँ पर आ चुका है, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा आपको क्या पर्पज़ है, आप क्या नीचे इसमें आप कहाँ करना चाहते हैं बिजनेस, तो ये सब दिखाना पड़ेगा। तो आपको हाल ही में ये स्कीम अब लॉन्च हो चुकी है, जाओ जाके अभी फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दो, और आने वाले टाइम में बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, और जो इसको जॉब नहीं मिला वो आप बैठे मत रहो, अभी से कुछ करना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, टाइम बहुत ही जल्दी से चले जा रहे हैं, और हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट को भी बनता है कि बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करें, इतना अपॉर्चुनिटी आ नहीं रहा है जिसकी वजह से बहुत सारा दिक्कतें हो रहा है। तो अभी किसी को वेट मत करो, खुद से अभी ट्राई करो, इसी के थ्रू अभी जितना भी स्कीम निकाला हुआ है सबको आजमाओ, और उसके बाद आप कुछ बड़ा स्टार्टअप करने का स्टार्ट करो। तो मिलता है अगले वीडियो में, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मिलता है अगले वीडियो में।